हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं आपका मेज़बान अली हिदायती और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवाज टीवी यूट्यूब चैनल। आज साल 2023 का 65वां दिन यानी 6 मार्च 2023 बरोज पीर है और मैं आज की एक अहम खबर लेकर आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने देवबंद इलाके के गांव भेला में बीजेपी लीडर कर्नल राजीव की दावत पर उनकी रिहायशगाह पर होली मिलन समारोह में शिरकत फरमाई। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि हमारी हजारों साल पुरानी तारीख जिसमें हम सब मोहब्बत से रहते थे उसको जिंदा किया जाए। मौलाना ने कहा कि आज हम उन लोगों की मजम्मत करते हैं जो फिरकावारियत की ईंट से ईंट बजा रहे हैं और आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं। हमें मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। मौलाना ने कहा कि यही वो बुनियाद होगी जिसके जरिए मुल्क में बाहमी भाईचारा कायम होगा। मौलाना ने कहा कि बाहमी मेलजोल छोड़कर नफरतें पैदा करने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि मुल्क को पसमानदगी की तरफ धकेल देगा और लोग एक दूसरे के सामने बेबस हो जाएंगे। मौलाना ने कहा कि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। जिस तरह माजी में हम प्यार मोहब्बत से रहते थे अब भी उसी प्यार मोहब्बत को कायम रखा जाए। उन्होंने होली मिलन समारोह में मदऊ करने पर कर्नल राजू का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान बीजेपी लीडर कर्नल राजू ने कहा कि यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि मौलाना अरशद मदनी ने हमारी छोटी सी दावत पर होली मिलन समारोह में शिरकत फरमाई। कर्नल ने कहा कि इस तरह एक दूसरे के प्रोग्रामों में शरीक होने से ही भाईचारा बढ़ेगा और जो दोनों मजाहिब के लोगों के दरमियान नफरत की फिजा परवान चढ़ रही है उस पर रोक लगेगी।